right circle contains 44 into 10 to the power 7 liter of water, which fills it completely. The radius of top and bottom of the reservoir, height and depth of the water, and net surface area of the reservoir. तो ये किस में है, लीटर में, तो इसको हम क्या करते हैं, क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं. तो क्यूबिक मीटर में कितना है, 44 इंटू 10 टू द पावर 4 मीटर क्यूब, ये क्यूबिक मीटर में है. तो इसको अगर मैं लिखूँ तो क्या करते हैं, 2/7 इंटू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर, डेट इज 100 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1/40 प्लस 50, जगह 2500, और 100 प्लस 50 ये क्या होता है 5000, जो ओवरऑल हो जाएगा 7500. और एच की वैल्यू कितनी है हमें पता नहीं, एच की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है, इंटू एच, और ये किसके इक्वल है, 44 इंटू 10 टू पावर 4, ये हो जाएगा 2, और इसकी वैल्यू हो जाएगी कितनी, हो जाएगी 17500 इंटू, ये डिवाइड बाई 7 है, और ये इंटू एच इज इक्वल टू कितना, 2 इंटू 10 टू पावर 4, और ये कितने इक्वल हो जाएगा, 2500 के इक्वल हो जाएगा. और यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8, यहाँ से एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 मीटर, ठीक है. अब हमें क्या निकालना है, लेटरल सरफेस एरिया निकालना, ठीक है, लेटरल सरफेस एरिया मतलब कर्व सरफेस एरिया निकालना, ठीक है. तो कर्व सरफेस एरिया के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, एल निकालना पड़ेगा, जो कि हो जाएगा आर वन माइनस आर टू, ये हो जाएगा 50 का होल स्क्वायर प्लस हाइट हो जाएगा 2564, इसी का हमें स्क्वायर रूट ले लेंगे, ठीक है. स्क्वायर रूट लेने पर आता है 2564 का स्क्वायर रूट क्या होता है, होता है 50.63, तो ये हो जाएगा पाई इंटू आर वन प्लस आर टू, ये हो जाएगा पाई इंटू 150 इंटू 50.63, ओके. तो ये हो जाएगा 22/7, यानी तो हम पाई की वैल्यू रखें 3.14, ये हो जाएगा 150 इंटू 50.63 इंटू 3.14, ये होती है 2545713, 2544571 इक्वल हो जाएगी, ये हमारा कितना आ जाएगा मीटर स्क्वायर में, मतलब ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा.